爸，怎么了？तो फिर क्या हुआ? चावी ने बताया, पापा ना हम लोग को ना कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए, पर बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दे देंगे, है ना, बर्थडे में। उसमें बताएंगे कि जो बर्थडे में आ रहा है उसमें बच्चों को गिफ्ट्स नहीं देना है, ये लिख देंगे। तो हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। तो पापा ने सबके लिए रिटर्न गिफ्ट खरीद लिया, पर जो इनविटेशन कार्ड था ना उसमें लिखी थी प्लीज नो गिफ्ट्स, ऐसा करके सब बच्चों को मिलेगा ही नहीं, फिर छवि को गिफ्ट ही नहीं मिलेगा। तो सब बच्चे आराम से, ओ ये देखो छवि के लिए गिफ्ट नहीं खरीदना पड़ेगा। पर सबके मन में ख्याल आया, अगर हम लोग गिफ्ट नहीं देंगे तो हमको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा कि नहीं। तो सब पापा ने बोला सब बच्चों को, हाँ हाँ रिटर्न गिफ्ट आप लोग को मिलेगा, पर आप लोग गिफ्ट मत लाना बस, गिफ्ट पसंद नहीं है, बड़ी हो गई है छवि, है ना, बड़ी हो गई ना, गिफ्ट पसंद नहीं है छवि, पसंद है, हाँ पसंद है, पसंद है, सिर्फ कहानी के लिए झूठ मूठ के लिए। सब बच्चों ने सोचा अरे बाप रे छवि तो सब बहुत बड़ी हो गई भाई, छवि तो बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा लेट जाओ। तो फिर क्या हुआ, सब बच्चे आए एक एक करके, तो हेलो छवी हैप्पी बर्थडे हाउ आर यू, ऐसे बोला। आई एम फाइन थैंक्स फॉर कमिंग, छवि ने बोला। और देखो कोई बच्चा गिफ्ट ही नहीं लाया, छवि को अंदर ना बहुत खराब लग रहा था, रोने का मन कर रहा था, मेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाए पापा, ऐसे करने लगी। पापा ने तुम्हें क्या बोला गिफ्ट नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है ऐसे करके रोने का मन कर रहा था पर रो नहीं रही थी। सब बच्चे पूछ रहे थे क्या हुआ छवि तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो, छवि ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, कुछ बताया ही नहीं, किसको नहीं बताया क्या कर रहे हो, किसको नहीं बताया क्या कर रहे हो, किसको नहीं बताया। तो फिर क्या हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब लोग केक काट रहे थे आंसू टपक टपक के केक में गिर रहा था, सब लोग कहते छी देखो छवि का आंसू गिर रहा है केक में, पापा ने जल्दी आंसू पोंछ दिए छवि का, छवि ने केक काटा, सब लोग अब अपना केक खा लो, अब मैं अपने कमरे जा रही हूँ।